बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। खबर झारखंड की शुरुआत लाल आतंक पर प्रहार की खबर के साथ करते हैं। दुमका में सुरक्षा कर्मियों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। इसके बाद गोपी कांदर इलाके में सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। संथाल में नक्सलियों ने छोटा नागपुर और कोल्हान में खौफ पैदा करने की कोशिश की। कई जगहों पर पोस्टरबाजी की गई, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई कर बता दिया है कि अब झारखंड में लाल आतंक का जड़ से खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले खूंटी में दहशत के पोस्टर, फिर चक्रधरपुर में नक्सलियों की हिमाकत, अब बोकारो में बवाल के पोस्टर, तीन दिनों में तीन जगहों पर बंदी और विरोध दिवस के पोस्टर। पोस्टर और बैनर के जरिए नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। बोकारो में नक्सलियों की मौजूदगी, पिंक नारायणपुर और बोकारो थर्मल पावर थाना क्षेत्र के कई गांव में माओवादियों ने पोस्टर चिपकाए। पोस्टर में मारे गए नक्सलियों के फोटो भी लगाए गए हैं, जिनकी मौत के खिलाफ तीन दिनों तक अपने नापाक मंसूबे का ऐलान किया है। 1 और 2 अगस्त को विरोध दिवस और 3 अगस्त को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। पुलिस महकमे के सामने नक्सलियों ने चुनौती पेश की है। इधर उप राजधानी दुमका में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। इनकाउंटर गोपी कांदर के कछुआ कादर गांव के जंगलों में हुआ, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें पुलिस को एक इंसास सहित एक ग्रेनेड और कई गोलियां बरामद हुआ है। रात भर चली मुठभेड़ में 15 से 20 नक्सली शामिल थे, जो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे। 2 नक्सली मारे गए, जिनकी पहचान ताला मारांडी ग्रुप के सदस्य के रूप में की गई है। बाकी नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्च ऑपरेशन जारी है। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुमका के कछुआ कांदर गांव के पास जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली की पहचान हो गई है। अनुज देहरी गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी पालमपाड़ा गांव का रहने वाला था। पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार समेत कई वारदातों में इसकी तलाश थी। इधर इस नक्सली मुठभेड़ के बाद गोड्डा एसपी राजीव रंजन सुना के नेतृत्व में दुमका, गोड्डा और पाकुड़ जिलों में सीमावर्ती इलाकों पर सर्च अभियान चलाया गया। शनिवार को हुई नक्सली मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दुमका के गोपी कांदर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मिली सफलता ने सुरक्षा कर्मियों को उत्साह बढ़ा दिया है। संथाल परगना ने से नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। तो गोपी कांदर में जिस तरह फायर निशाना लेकर के हमारे ऊपर किया गया था, हमारी टीम के ऊपर, स्वाभाविक है कि आत्मरक्षा में रिटेलिएशन किया गया। ये फायरिंग कम से कम आधे घंटे 40 मिनट चली होगी। सर्च के दौरान पता चला, जब एडवांस की पार्टी हमारी, तो पता चला कि नक्सलों के 2 डेड बॉडी वहां पड़े हैं और एक एसएलआर राइफल, 100 से ज्यादा गोलियां, ग्रेनेड और उनके कई सारे सामान पड़े हुए हैं। इधर पत्थलगड़ी नक्सलवाद का हॉट केक बन गया है। पत्थलगड़ी को नक्सलियों के समर्थन के बाद अब PLFI उग्रवादियों ने भी इसका समर्थन किया है। इसके बाद खूंटी समेत कई जिलों में पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पत्थलगड़ी बना नक्सलवाद का हॉट केक, पत्थलगड़ी को PLFI का भी समर्थन। नक्सलवाद और पत्थलगड़ी का कैसा गठजोड़। झारखंड के खूंटी में पत्थलगड़ी कर संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ नापाक मंसूबे को खूंटी पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया था। पटरी पर लौटती हुई व्यवस्था और लोगों की बेहतर जिंदगी से इसे गहरा धक्का लगा, लेकिन पत्थलगड़ी के उखड़ते पांव को नक्सलियों ने थामने की कोशिश की है। बंद कॉल किया गया है या शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है, इसको हम लोग फिजल आउट करने के लिए, इसको डिफाई करने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। पत्थलगड़ी को माओवादियों का समर्थन, PLFI का भी पत्थलगड़ी का साथ। कोई शक नहीं कि 2018 तक झारखंड से नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की सरकार के संकल्प के आगे नक्सलवाद आखिरी दौर में है, अस्तित्व पर संकट सामने है। हैरानी की बात है कि माओवादी PLFI के खिलाफ जन अदालत का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में वर्चस्व को लेकर भिड़ने वाले दो धड़े पत्थलगड़ी के मुद्दे पर एक क्यों हो गए। इसका काम ये है चुनौतियों से निपटना। अगर ये चुनौती आती है तो हम लोग कारगर तौर पे
इसको निपटने के लिए तैयार है। पत्थलगड़ी को नक्सलियों का समर्थन क्यों? क्या नक्सलियों की छद्म चाल है पत्थलगड़ी? पत्थलगड़ी से नक्सलियों का क्या वास्ता? माओवादियों के बाद पीएलएफआई का प्रपंच सामने आया है। क्या नक्सलवाद और पत्थलगड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या कमजोर पड़ते नक्सलवाद को पत्थलगड़ियों का सहारा मिल रहा है? क्या पत्थलगड़ी के बूते माओवादी और पीएलएफआई ताकत बटोरना चाहते हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक सरपरस्ती की वजह से नक्सलियों के हौसले पत्थलगड़ी को लेकर बढ़े हैं? पिछले दिनों जेबीएम नेता बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पत्थलगड़ी इलाके में जाकर लोगों की भावनाएं भड़काई थी, तो क्या इसका बेजा फायदा उठाने में अब नक्सली भिड़ गए हैं? खूंटी से सोनू अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ेमेडिया। झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने ईसाई मिशनरी के फंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए का इस्तेमाल सिर्फ धर्मांतरण के लिए किया जाता रहा है और सेवा के नाम पर ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण और बच्चों को सऊदी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकार लगातार मामले की जांच करा रही है और आने वाले दिनों में परत दर परत ईसाई मिशनरीज के चेहरे से बेनकाब हो जाएंगे, नकाब उतर जाएगा। बता दें कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 तक पिछले 6 महीने में रांची जिले के ईसाई मिशनरी से जुड़े संगठनों को लगभग 19 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त हुआ है। अब इस राज में रुकना चाहिए और इसीलिए राज्य सरकार ने जब देखा कि धर्मांतरण करने के नाम करते ही हैं और सेवा के नाम पर किस प्रकार से बच्चों की खरीद बिक्री करते हैं, ये तो एक आइटम खुला है। अभी जब जांच होगी, दर परत खुलेगी और ये ईसाई मिशनरियों के चेहरे बेनकाब होंगे। जमशेदपुर के साक्षी गर्ल्स हाई स्कूल में बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग दिए जाने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से घंटों तक स्कूल के अंदर बवाल होता रहा। दरअसल एक मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा युवाओं को मार्केटिंग संबंधी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने कंपनी को फर्जी बताकर प्रशिक्षकों से झगड़ा मोल लिया। लेकिन प्रशिक्षण के लिए आए युवाओं ने जब इसका विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। यहां तक इस दौरान मीडिया के लोगों से भी बदतमीजी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एसटीओ ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और पूरे स्कूल परिसर को खाली करा दिया। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गढ़वा के भंडरिया कस्तूरबा विद्यालय के साथ ये कहावत सटीक बैठती है। स्कूल से जो छात्राएं भाग निकली, 3 दिन बाद वापस भी आ गई, लेकिन कैसे? जवाब मिला कि स्कूल की बाउंड्री छोटी है और इसीलिए फांद गई। घर चूल्हे चौके से बेटियां बाहर निकली, चौखट से बाहर कस्तूरबा गांधी विद्यालय तक पहुंची, लेकिन अब वो चौखट क्या, बाउंड्री भी फांद जा रही हैं। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि स्कूली व्यवस्था कह रही है। गार्ड साहब मेरे हैं सामने, उनसे पूछिए, मैं तो उस दिन छुट्टी में थी। बाउंड्री बोनी हो गई या आपकी व्यवस्था, समझते रहिए, क्योंकि सारा ठीकरा भंडरिया के स्कूल आहाते पर फोड़ा जा रहा है। गार्ड साहब भी क्या करते, उन्हें भी लगता है बेटियों के पाँव के नीचे बाउंड्री है। मैं अकेले रह कर क्या कर सकता हूँ, हम खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते, आप ही लोग बता दें। गार्ड बाबू, फिर आपकी जरूरत ही क्या है, न बेटियां संभलती हैं न बाउंड्री। हैरानी की बात तो ये है कि जैसे छात्राएं गई उसी तरह 3 दिन बाद वापस भी आ गई, लेकिन गई कहाँ थी, कैसे वापस आई, 3 दिनों तक कहाँ रही, क्यों भागी थी स्कूल से, सवाल कई हैं, लेकिन इनके पास किसी का जवाब नहीं। वो क्यों भागे थे, क्यों भागे थे तुम लोग, क्यों, क्या परेशानी है यहाँ पर? हम लोग का बच्चे साल गया, डेढ़ साल नहीं जा रहा है। लापरवाही का आलम एक जगह नहीं, शेल्टर होम की जांच करने पहुंची बाल संरक्षण आयोग की टीम भी बेपरवाह रही, जानकारी के बावजूद चुप रही। इस संबंध में हम लोग कुछ दिन प्रयास कर रहे हैं।
सिस्टम सुनता नहीं, स्कूल इन्हें देखता नहीं, आंखों पर पट्टी बांधी है, फिर अनुशासन की कौन पूछता है। अपनी जान छुड़ाने के लिए इनके भागने की पुलिस को खबर की, लेकिन लौटने पर बताने की सहमत नहीं उठाई। डीएसी, बीओ और वार्डन को हमने तलब किया है, अभी मुख्यालय आएंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई की। जाहिर है स्कूल से छात्राओं के भागने की वजह पर पर्दा पड़ा है। स्कूल जो भी तर्क दे, अनुशासन की बाउंड्री ऊंची होती तो शायद ईंट कार्य की बाउंड्री बेटियां फांद नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घाटशिला में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में दो गुटों के बीच गांव में तनाव बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि लड़की को भगाने के मामले को लेकर विरोध कर उतरे गांव वालों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई थी। इसमें कई महिलाएं और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वारदात के बाद दोनों गांवों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शांति की कोशिश के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल डुमरिया थाने के भालुक पतरा और नया ग्राम में लड़की के घर से भागने पर हंगामा खड़ा हो गया था। पुलिस ने लड़के और लड़की को पश्चिम बंगाल के झालदा से बरामद किया है और कोर्ट में पेश किया, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय ने एनएच 33 की बदहाली का जायजा लिया। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में डिमना चौक से बारडी तक 3 किलोमीटर तक एनएच 33 की सड़क की जर्जरता को उन्होंने देखा। सरयू राय ने पूरे 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर सड़कों का जायजा लिया और राहगीरों से बात भी की। मीडिया से बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही है और इसीलिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और 3 किलोमीटर की सड़क की मरम्मती का आदेश मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से उनकी मांग है कि इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क को सीबीआई जांच के दायरे से बाहर रखा जाए। उन्होंने जमशेदपुर डीसी से बात करते हुए कहा कि विधायक निधि से वो 1 करोड़ रुपए मरम्मती के लिए भी देंगे, जिससे कि पीडब्ल्यूडी अपना काम कर पाए। वहीं हाईकोर्ट में 2 से 3 दिन के अंदर वो अर्जी दायर कर देंगे। 9 अगस्त को हम लोग फाइल करेंगे कि सीबीआई जांच भी होते रहे और सरकार को बनाने का भी आदेश दे दीजिए। मैंने उनसे यही कहा है कि भाई जहां उसने सड़क बनाया है वहां वो खराब बनाया है कि अच्छा बनाया है, ये देखने की बात है जांच की। मगर डिमना चौक से पार्टी चौक तक तो सड़क बनी ही नहीं है, एक पैसा भी खर्च नहीं किया उसने, इसलिए इसको जाँच के दायरे से बाहर रखिए। और ये अगर 9 के पहले नहीं करेंगे लोग तो मैं खुद किसी न किसी रूप में हाईकोर्ट में मैं जा रहा हूं, कल परसों में पिटीशन दाखिल कराऊंगा कि यहां काम होने दीजिए। और अब बात दामोदर से डर की। लगातार बारिश के बाद झारखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। बोकारो में तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते डैम के 4 रेडियल फाटक को खोला गया है। करीब 17,000 क्यूसेक पानी डैम से डिस्चार्ज हुआ, जिस वजह से दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। बोकारो और धनबाद जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। महाधिवक्ता अजीत कुमार झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने महाधिवक्ता राजीव रंजन को 4 मतों से हराया है। अजीत कुमार को 15 मत मिले, जबकि 14 वोटों के साथ राजेश कुमार शुक्ल लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं। पद की कमान संभालने के बाद उन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग से फैसले का संकल्प जाहिर किया। जो कुछ होगा मुझसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा अच्छा करूँगा और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो कुछ होगा मुझसे मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है और अधिवक्ताओं के लिए जो लॉयर्स एकेडमी की ज़मीन है मेरे एजेंडे में है। मैंने सोचा है सरकार के सामने मैं ये सभी मांग जल्दी से रखूँगा। झारखंड के रमेश साह की पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की। उन्होंने रमेश के हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि रमेश के पिता ईंट भट्टी में काम करते हैं। खुद रमेश बाजार में खिलौना बेचा करते थे, बावजूद इसके अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने हर बाधा को दूर किया है। झारखंड के रमेश साहू जिनके पिता ईंट भट्टा में मजदूरी करते हैं, खुद रमेश भी मेले में खिलौना बेचा करते थे, अपने दृढ़ संकल्प और हौसले से हर बाधा को पार कर दुनिया देखे। और अब बात पर्दे पर पीएम की। बायोपिक फिल्मों के लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ने जा रहा है। पीएम मोदी के जीवन पर नमो क्रांति नाम की फिल्म बनेगी।
रांची के मोरहाबादी में फिल्म का शुभ मुहूर्त आयोजित किया गया। फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी और इस साल दिसंबर के अंत तक फिल्म रिलीज होगी। फिल्मी पर्दे पर पीएम मोदी, 70 mm पर नया स्टार, रील पर चमकेगी रियल कहानी। ये वो शख्सियत है जिसने हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, देश विदेश हर जगह लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी, भारतीय राजनीति की एक नई पटकथा लिख डाली। ये जब बोलता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कोई हुंकार भर रहा हो। लेकिन बहुत जल्द ये शख्सियत फिल्मी पर्दे पर भी दिखने वाली है और इस फिल्म का नाम होगा नमो क्रांति, जिसका शुभ मुहूर्त मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोगों को ये बताने का भी काम कर रहे हैं कि देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो प्रधानमंत्री के रूप में विगत 4 वर्षों से देश का मान सम्मान और स्वाभिमान इस ब्रह्मांड में बढ़ाने का काम किया है। आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास